असोमोपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। होम्योपैथिक को पैदा करने में डॉक्टर हनीमैन का पूरा ही योगदान है। डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथिक को की शुरुआत करी। उसके बाद इनका जन्म जो है 1710 अप्रैल 1755 में हुआ। तो 1700 के लास्ट लास्ट के आसपास में होम्योपैथी का एक दवाई निकली, दूसरी निकली, इस तरह से दवाइयाँ डॉक्टर हनीमैन जी ने निकालते गए। 1800 के तक, 1843 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक हनीमैन जी ने काफ़ी हद तक होम्योपैथी में कई नए आविष्कार किए। उसके बाद कई आविष्कार अन्य डॉक्टरों ने करे, डॉक्टर एलन ने करे। इसके अलावा कई अन्य डॉक्टर हैं, बहुत ढेर सारे डॉक्टरों के नाम हैं, अगर नाम नहीं लेते हो कि बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी, उन लोगों ने आविष्कार किया। इसी तरह से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इसके साथ साथ में कुछ कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्मर स्वाबे जर्मन ने बहुत ज़्यादा योगदान किया। उनने अपने डाइल्यूशन दिए, अच्छी क्वालिटी के डाइल्यूशन दिए और अच्छी क्वालिटी के मदर इंचर दिए, अच्छी क्वालिटी की बाइकअपी दी और साथ में बढ़िया क्वालिटी के इनने टैचन दिए। और साथ में डब्ल्यू एस बिल्मर स्वाबे जर्मन ने सन 96 से पहले पहले काफ़ी हद तक इतने कुछ पेटेंट आइटम भी दिए। जैसे मेरे पास में एक पेटेंट आइटम है भी। इस तरह से डब्ल्यू एस ने काफ़ी अच्छे पेटेंट आइटम दिए। उन पेटेंट आइटम के बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ में 96 के दशक में, 1996 में डब्ल्यू एस आई डॉक्टर बिल्मर स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसने भी कई डायल्यूशन, वही अपनी पहचान लाई और डायल्यूशन दिए, मदर नेचर दिए, बैगविक दी, साथ में टैचन दिया। इसके साथ साथ में कई ढेर सारे उनने टैच पेटेंट आइटम दिए, जिनसे होम्योपैथिक में को आगे बढ़ने में बहुत सा योगदान मिला। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। जो आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने पर डब्ल्यू एस और डब्ल्यू एस आई कंपनी की पेटेंट आइटम की के बारे में बताने के लिए। होम्योपैथिक में जो मदर नेचर है वो लिक्विड बेस में आता है, तो उसको लेने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसी तरह से इसके होम्योपैथी का आविष्कार दिन पर दिन इतना ज़्यादा होते चले जा रहा है कि मदर इंजर को भी हम लोग टैबलेट बेस में बना रहे हैं। टैबलेट बेस में कई कंपनियों बना रखी है। आज मैं आपको डब्ल्यू एस आई कंपनी की कुछ मदर इंजर जो टैबलेट बेस में बना रखी हैं वन एक्स फॉर्म में, तो उनके बारे में बताने जाऊँगा। वन एक्स फॉर्म में उनके बारे में बताऊँगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लगातार आदमी को जो कई लोगों को कई लतें होती हैं, उन्हीं में से एक लत है स्मोकिंग करने की, सिगरेट बीड़ी पीने की। सिगरेट पीने की लत हो रही है तो उसके लिए डेफिन इंडिका के बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। ये मदर नेचर बेस में है, पर डब्ल्यू एस आई कंपनी ने इसको टैबलेट फॉर्म बना रखा है, वन एक्स बना रखा है। वन एक्स में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देते हैं। सिगरेट को छोड़ने में बड़ी आसानी से होती है, बीड़ी को छोड़ने में बड़ी आसानी से होती है, स्मोकिंग को ख़त्म करने में डेफिन इंडिका का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप एलोपैथी ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो साथ साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जानते हैं कितने रुपये MRP का है और किस तरह से लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ये 20 ग्राम की पैकिंग में है, 150 रुपये MRP का मेरे पास पड़ा हुआ है, सॉरी 280 रुपये MRP का पड़ा हुआ है। इसकी दो गोली सवेरे, दो गोली दिन में, दो गोली शाम को लेनी है। सिगरेट को, स्मोकिंग को छोड़ने में बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।